Hello student, we are going to explain chapter number 5, class 8. आज हम आपके जो chapter number 5 है ये आपका क्या है data handling. आज हम data handling के बारे में पढ़ेंगे. Data handling क्या होता है? Data handling, data handling exercise 5.1. Data handling में जो हम draw करते हैं, graph draw करते हैं और class interval. क्लास इंटरवल का होना जरूरी होता है डाटा एंट्री. ओके, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के हम हिस्टोग्राम्स पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी टेबल्स पढ़ेंगे. इन सब के बारे में हम डाटा एंट्री में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट. यू आर ओपन योर पेज नंबर 76 इन योर मैथ बुक. अपनी मैथ बुक का पेज नंबर 76 ओपन करके रखें. मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको अपनी बुक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको तो समझना ही है, साथ में आपको अपनी बुक में से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो. ओके, तो आपका जो पेज नंबर 76 है उसका एक्सरसाइज 5.1 है. इसका मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो देयर डाटा. मतलब उन्होंने आपसे पूछा है कि ये जो डाटा आपके दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इसमें आप किसका, किसमें हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो, ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आपसे. मैंने यहाँ पर क्वेश्चन राइट नहीं किए हैं, वाला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा. मतलब आप ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे ए बी सी डी, इन फोर क्वेश्चन में से किस क्वेश्चन में आप हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हैं. अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्या होते हैं. तो जब भी हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे हम हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करते हैं. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको किसकी नीड होती है? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल होना बहुत जरूरी है. अगर हम क्लास इंटरवल नहीं बना पा रहे हैं तो उसका हम हिस्टोग्राम भी नहीं बना पाते. क्लास इंटरवल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? क्लास इंटरवल. मतलब इनमें 10-10 का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है. जब हम किसी भी डाटा को इस टाइप में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? क्लास इंटरवल. ओके, तो हम उसको अगर क्लास इंटरवल में वो बन जाता है तो हम उसमें हिस्टोग्राम भी मेक कर सकते हैं. हिस्टोग्राम से उसको हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं. तो अब आपका जो क्वेश्चन है, आपको ये तो पता चल गया कि कोई भी डाटा हिस्टोग्राम में कब शो होगा? जब उसका हम क्लास इंटरवल बना देंगे. ओके, सपोज आप हाइट का एग्जाम्पल ले लो कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग हाइट के, मुझे उनकी हाइट का एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हम मेजर कर सकते हैं कि सपोज किसकी हाइट, किसी बच्चे की हाइट 2 से 3 फीट आएगी, किसी की 3 से 4 फीट में आएगा, कोई 4 से 5 फीट में आएगा, कोई 5 से 6 फीट में आएगा. यहाँ पर स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे. तो हम हाइट का एग्जाम्पल मैंने देखे बताया कि अगर हाइट है हमको मेजर करनी किसी बच्चे की, तो हम उसमें हिस्टोग्राम मेक कर सकते हैं, हिस्टोग्राम में उसको शो कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है वो क्लास इंटरवल में चली जाएगी, क्लास इंटरवल उसका ड्रॉ हो जाएगा, तो उसको हम हिस्टोग्राम में मेक कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन योर मैथ बुक चैप्टर 5 पेज नंबर 76. नाउ ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 76. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम ए, द नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग. मतलब जो पोस्टमैन बैग है उसके बैग में कितने नंबर ऑफ लेटर है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के. अब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, तो पोस्टमैन तो बहुत सारे एरिया में जाते हैं, उसके बाद उसमें लेटर कितने हैं हम ये पता ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग किसी एरिया में लेटर्स ज्यादा होंगे, किसी एरिया के लेटर्स क्या होंगे, कम होंगे. तो हम इसमें क्लास इंटरवल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लेटर्स का काउंटिंग हम किस टाइप से करेंगे कि कितने लेटर्स हैं. कभी लेटर्स कम भी हो सकते हैं, कभी लेटर्स ज्यादा भी हो सकते हैं. मतलब उसमें क्लास इंटरवल हम बना नहीं पाएंगे कि कौन से एरिया के कितने लेटर्स हैं. तो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब उसमें हम क्लास इंटरवल मेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितने लेटर्स हैं हमको ही नहीं पता है कि कितने एरिया में कितने लेटर हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? नो. फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा? नो. क्योंकि उसमें हम स्टोर क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल नहीं है तो हम हिस्टोग्राम भी उसमें मेक नहीं कर सकते. तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका? नो. इज दैट क्लियर? नाउ
We come to next question. Question number B. The height of a competitors in an athlete meets. अब मैंने अभी आपको बताया था कि हाइट में हम क्लास इंटरवल शो कर सकते हैं. ओके अब वो क्या बोल रहे हैं कि द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट्स. एथलेटिक मीट्स मतलब जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, तो जो भी कॉम्पिटिटर्स वहां पर आए हैं उसमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनकी हाइट्स आपको मेजर करनी है. ओके तो हाइट्स में हम इंटरवल शो कर सकते हैं. मैंने अभी बताया था कि सपोज आपके 4 to 5 वाले हाइट वाले, तो 4 to 5 वाले कितने पर्सन है, 6 है. 5 to 6 हाइट वाले कितने पर्सन है, 7. ऐसे हम हाइट का मेजरमेंट करके हाइट का क्लास इंटरवल बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. जब हम हाइट का इंटरवल ड्रॉ कर सकते हैं तो जो क्वेश्चन है आपका द हाइट ऑफ कॉम्पिटिशन इन एथलेटिक मीट्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, क्योंकि इसलिए हम हिस्टोग्राम मेक कर सकते हैं. ओके इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका, यस, हम इसमें हिस्टोग्राम क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं. मैं यहाँ पे भी इसको राइट कर देती हूँ. इसका आंसर क्या आएगा, यस. एंड ये वाले का आंसर आपका क्या आएगा, नो. ओके नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी. इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके क्या है क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर्स ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. मतलब 5 कंपनीज कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस करेगी. अब जो कंपनीज है वो कितनी कैसेट प्रोड्यूस करेगी हम नहीं पता कर सकते, वो कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, कितनी भी नंबर्स ऑफ कैसेट्स क्या कर सकती है, वो प्रोड्यूस कर सकती है. अब इसका हम क्लास इंटरवल कैसे मेजर करेंगे, हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि हम इसका क्लास इंटरवल कैसे मेजर करेंगे, कर नहीं सकते हम. तो जब इसमें हम क्लास इंटरवल का मेजरमेंट कर ही नहीं सकते हैं तो इसका जो हिस्टोग्राम है वो भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज है वो कितनी भी कैसेट बना सकती है या पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कब कितनी कैसेट्स बना रही है. कभी कम बनाएगी, कभी क्या करेगी, वो ज्यादा बनाएगी, तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर सी का जो आंसर होगा वो आपका टाइम में आ जाएगा, नो में. ओके नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. योर क्वेश्चन नंबर डी इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to PM. मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें 7 AM से 7 PM तक, AM मतलब मॉर्निंग का टाइम और PM मतलब 12 noon से 12 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक. ओके तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक उस जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें जो बोर्डिंग ट्रेन है उसमें कितने नंबर ऑफ पैसेंजर चढ़े, तो हम उसमें पता कर सकते हैं. क्योंकि हम कैसे पता करेंगे उसमें, क्योंकि टाइम हर टाइम का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, पहले वाला और का निकाल लेंगे. जैसे 7 to 8 टाइम में 7 से 8 बजे के बीच में कितने पैसेंजर चढ़े, फिर 8 से 9 बजे के बीच में कितने पैसेंजर ट्रेन में बैठे, फिर 9 से 10 बजे के बीच में कितने पैसेंजर उसमें चढ़े. इस टाइप से हम मेजरमेंट उसका कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में टाइम शो है कि 7 AM to 7 PM. तो इसका हम एक क्लास इंटरवल ड्रॉ कर सकते हैं कि कितने टाइम इस टाइम से इस टाइम तक कितने पैसेंजर इस टाइम तक. मतलब उसका जो डिफरेंस है वो भी इक्वल आ रहा है, 7 से 8 में कितना डिफरेंस, 8 से 9 में कितना डिफरेंस है, 1. तो हमारा क्लास इंटरवल इसमें ड्रॉ हो रहा है. ओके अब इसमें क्लास इंटरवल ड्रॉ हो रहा है, तो द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM. तो इसमें हम हिस्टोग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. इसमें हम हिस्टोग्राम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो इसका जो आंसर है इसमें क्लास इंटरवल आपका क्या आ रहा है, बना रहे हैं, तो इसमें हिस्टोग्राम भी हम बना रहे हैं. तो इसको आंसर क्या आ जाएगा आपका, यस, कि 7 to 7 PM एट अ स्टेशन. स्टेशन पर कितने लोग उसमें आए तो हमने मेजर कर लिया, तो इसी डी का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यस. ओके नाउ इज दैट क्लियर. मैं फिर से आपको बता रही हूँ, फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बेस. इसका आंसर क्या आएगा आपका, नो आएगा, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाएगा और कितने लेटर्स कलेक्ट करेगा आई डोंट नो, पता ही नहीं चल पाएगा. तो इसका हम क्लास इंटरवल बना नहीं सकते, इसलिए इसका हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा, नो. द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट्स, तो एथलेटिक मीट्स में जो कॉम्पिटिटर्स है उसकी हाइट का हम इंटरवल बना सकते हैं, क्लास इंटरवल अलग अलग हाइट के ड्रॉ कर लेंगे और उसमें उसका इंटरवल बन जाएगा, इसलिए हम हिस्टोग्राम बना सकते. ओके तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज. इसका आंसर क्या आएगा, नो,
क्योंकि जो कंपनी है वो कितनी कैसेट प्रोड्यूस करेगी हम नहीं जान सकते, ये पता भी नहीं कर सकते हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तो इसमें क्लास इंटरवल बन ही नहीं पाएगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन, मतलब 7 बजे से लेकर 7 AM से 7 PM तक स्टेशन पर कितने पैसेंजर्स आए, इसका पता हम कर सकते हैं क्योंकि जो टाइम है 7 से 8 में हम पहले काउंट करेंगे कितने पैसेंजर आए स्टेशन पर, फिर 8 से 9 में मेजर कर लेंगे कितने पैसेंजर आए। तो इस टाइप से हम इसका क्लास इंटरवल शो कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा।